नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो आज हम पहुंचे हैं गंगानगर के एक फार्म पर, जहां पर एचएफ गायों का फार्म है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 शानदार एचएफ गाय आपके सामने हैं। और एक ये कौन सी है जी? ये क्रॉस ब्रीड में है। क्रॉस ब्रीड में है। और यहाँ के इस फार्म के ओनर हैं ये भाई साहब, जिनको हम ज्ञानी जी के नाम से जानते हैं। आप ही हाथ हिला के अभिवादन करें हमारे दर्शकों का। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, अपना परिचय दे जी। सभी भाइयों को राम राम। हाँ, मेरा नाम है उद्धम सिंह और राजस्थान का ये जिला श्री गंगानगर है और तहसील श्री कर्णपुर है। आपके फार्म का नाम बताइए। खोसा डेयरी फार्म। हाँ जी, खोसा डेयरी फार्म की ये गाय है। हाँ, और ये सभी गाय दुधारू गाय है और बढ़िया नस्ल की गाय है, पहले दूजे ब्यात में है। और ये सभी सोई हुई है? हाँ जी, सभी ब्याई हुई है। तो इनको घुमा के दिखाइए एक एक खोल के। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी बहुत ही शानदार गाय हैं और 30 से 40 लीटर वाली होंगी। हाँ जी। हाँ, आप कोई और घुमाइए, आप डिटेल बताइए इनके बारे में। आप बताइए इसकी डिटेल। हाँ जी भाई साहब, ये 30 से 40 किलो वाली, 30 से 40 लीटर वाली गाय है ये। हाँ जी, दूसरे ब्यात में है जी। कितने दिन हो गए सुई को? अभी इसको ब्याई को हो गए जी 15 रोज हो गए। बहुत ही खूबसूरत। और दूध कितना इसमें? अभी इसके नीचे 26 लीटर तैयार है। हाँ जी, दो टाइम नपवा के दे देंगे। अच्छा, सुना है आपका दूध का परचेज सेल का काम है। हाँ जी। कहाँ पर बेचते हैं आप? हाँ जी, अपने अमूल की डेयरी लगी हुई है जी, वहाँ बेचते हैं। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि उस पर लोन भी मिल जाता है ना फिर डेयरी फार्म के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट खोलिए आप ये वाली खोलिए। अच्छा, उसके नीचे क्या है? बछड़ा बछड़ी? उसका नीचे बछड़ा है जी। ठीक, अब ये इसकी डिटेल बताइए। ये बछड़ी दूसरे ब्यात में है जी। हाँ जी, अभी इसको तीन से चार दिन हुए, तीन से चार रोज हो गए हैं। हाँ जी, ये ब्याई हुई है, डिलीवरी हुए को इसको 3 से 4 रोज हो गए। हाँ, इसके नीचे बछड़ा बछड़ी? इसके पीछे बछड़ा है जी। अच्छा, इसके पीछे सॉरी जी, बछड़ी है। बछड़ी है जी। हाँ जी। और इसमें दूध कितना है अभी? अभी 3 से 4 रोज हुए हैं जी, कम से कम 15 किलो इसके, 15 लीटर इसके नीचे खीस तैयार है जी। 15 लीटर खीस निकाला आपने? हाँ जी, हाँ जी, निकाला है दो टाइम का। और ये 30 प्लस अभी दूध निकालेगी। हाँ, पीक पर ये 30 प्लस चली जाएगी। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट खोलिए जी। इसकी डिटेल बताइए। हाँ जी भाई साहब, ये भी दूसरे ब्यात में है। दूसरे ब्यात में है जी, और इसके पीछे बछड़ा है। ब्याई को कितने दिन हो गए? इसको भी 15 रोज हो चुके हैं जी। अभी इसमें दूध कितना? इसके पीछे, इसके नीचे भी 15, इसके नीचे 25 लीटर 26 लीटर अभी तैयार है जी। 25, दो टाइम। हाँ जी, दो टाइम इसकी दूध निकलवा के देंगे जो भाई साहब। हाँ, अभी 10-15 दिन पीक टाइम में बचा भी है। हाँ जी, हाँ जी। अभी और बढ़ाएगी। बिल्कुल जी। और ये इसका अडर तो देख ही सकते हैं आप। हाँ, बहुत ही दूध वाला डबल अडर है। हाँ, अभी टाइम और रिकॉर्ड कर लिए जी, कितने बजे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ये वीडियो? ये टाइम हुआ जी अपने दूसरे फोन में, दूसरे फोन में आपको टाइम दिखा रहे हैं जी। ये दिखाओ, देखो जी, इसमें 1:07 हुए जी 26 जनवरी।
26 जनवरी 1:07। हाँ जी, 1:08 हो चुके हैं, दिन में वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, मतलब अभी तो शाम तक बहुत ज्यादा दूध हो जाएगा इनके हेडर में, बहुत शानदार बन जाएगी शाम तक, बहुत है बिल्कुल फंस जाएगी। अभी भी बहुत ज्यादा बड़े हेडर हैं, बहुत दुधारू। अच्छा, इसके नेक्स्ट के वो बताइए। ये भी बछड़ी दूसरे ब्यात में है। हाँ जी, इसको भी अभी 3 दिन हुए हैं सिर्फ ब्याह हुए को। हाँ जी, ब्याह हुए को 3 दिन हुए हैं। अभी इसके नीचे काफ, इसके पीछे बछड़ा है जी, ये है वो बने हुए है काफ सामने। कौन सा इसका? इसका वो वाला है। अच्छा, वो साइड में। हाँ जी, वो वाला। और इसमें दूध कितना? इसमें इसके नीचे अभी 15 किलो खीस तैयार है जी। 15 किलो तैयार है? हाँ, तो पीक टाइम तक तो 30+ जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया दुधारू गाय है जी। अच्छा, वो भी दिखाओगे मिक्स ब्रीड वाली? हाँ जी, वो एक मिक्स ब्रीड है जी। खोलो, हमारे पास अभी 15 से 20 पशु तैयार मिलते हैं, गाय तैयार मिलती है भाई साहब हर टाइम। हाँ जी, हर टाइम मिलती है। अभी हमने, हमारे पास कोई भाई साहब आए थे, उनको अभी गाय गाड़ी लोड करवाई है। महाराष्ट्र से आए थे? हाँ जी, महाराष्ट्र के भाई साहब आए थे हमारे पास भाई जी। जैसे 1 महीना 1.5 महीना कच्ची गाय भी हमारे पास यहाँ से मिल जाती है। इसकी डिटेल बताओ। हाँ जी, इसके अभी 18 लीटर तैयार है जी। कितने दिन सूए हो गए इसको? भी अभी 10 दिन हो गए। 18 लीटर तैयार है? बिल्कुल तैयार है जी। ये भी 30+ जाएगी? हाँ जी, पीक टाइम पर। बिल्कुल क्रॉस ब्रीड है, हाइट लेंथ बिल्कुल सील सुद्धी स्वभाव की गाय है जी। अब आप सामने आ जाओ। अच्छा, जैसे कि आपने बताया सर कि आपके पास उधर महाराष्ट्र से कस्टमर आते हैं, आंध्रा से भी आते हैं, उधर कर्नाटक से भी आते हैं, तो पहले तो ये बताइए कि आप उनको गाय कैसे परचेज करवाते हैं, क्योंकि आपके पास तो जैसा आपने बताया 20-25 गाय ही रहती है हमेशा फार्म पे। बिल्कुल सर जी। तो उनको दूसरे फार्मों से परचेज करवाते हैं? सर जी, जैसे अपने पास जितने पशु, जैसे जितनी गाय अपने पास उपलब्ध होती है, हाँ हाँ, तो वो हम यहाँ से दे देते हैं। हाँ, अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है तो हम दूसरे फार्मों से कॉन्टेक्ट रखते हैं भाई साहब जी, वहाँ से हम लोग खरीद के देते हैं भाई साहब। जो हमारे पास भाई आएंगे, बाहर से आते भी हैं हमारे पास रहने की। अच्छा अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैंने सुना है कि जो सीधे कस्टमर आते हैं दूसरे फार्मों पे, हाँ जी, जैसे महाराष्ट्र के आते हैं, बिल्कुल, आंध्र प्रदेश से आते हैं, या फिर कर्नाटक से, जो सीधे बड़े फार्मों पे आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो उनसे बहुत ज्यादा वो बड़े फार्मों वाले पैसे, जो भी कीमत है, वो डिमांड कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो और आप उनको सस्ते रेट में दिलवाते हैं? बिल्कुल सर। तो ये जादू कैसे करते हैं आप? सर ये पता क्या होता है, जैसे कि बाहर के जो भी कस्टमर यहाँ आते हैं, हाँ हाँ, उनको यहाँ का माहौल का, यहाँ सिस्टम का, रेट का पता नहीं है। हाँ हाँ, कई तो ऐसे सिस्टम हो जाता है कि बाहर से आते हैं जो उनसे ज्यादा पैसे मांगते हैं, वो देख लेते हैं भाई, वो बड़े पारखी नजर वाले होते हैं, बड़े फार्मों वाले, तो कि ये सीधे बाहर से आए हैं, बीच में कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको लूट लो जितना लूट सकते हो। बिल्कुल, या जो हमारे पास भाई आते हैं और जो आपके पास आते हैं, उनको आप बिल्कुल रेट जायज रेट में दिलवाते हैं? बिल्कुल, दाम पे हम उनको पशु खिलवा देते हैं, क्योंकि आपको तो रेट का पता ही है। बिल्कुल, हमारे एरिया में, यहाँ गंगानगर का ये एरिया है भाई जी, हाँ जी, राजस्थान में। हाँ, तो सर जो हमारा एरिया है, हमें पता है यहाँ भी कौन सा पशु कितने भाव में चल रहा है। हाँ, तो उसी हिसाब से हम जो बाहर से आते हैं, हम लोग उसी तरह उसी रेट से हम लोग खरीद देते हैं। हाँ हाँ, वाजिब दाम पे। हाँ, मतलब जो यहाँ के बड़े फार्म वाले हैं, लोग हैं, हाँ जी, वो आपको जानते हैं कि भाई ये सब रेट वगैरह सब जानता है, बिल्कुल, किस बिल्कुल, रेट का पशु है, कितने दूध वाला है, तो इसलिए आपको सस्ते में दे देते हैं वो। बिल्कुल, यहाँ का जो बंदा होगा, फार्मर होगा, वो हमें देख के, हम उनको पता है कि जो यहाँ का बंदा है, इसको सब पता है रेट का। हाँ, तो हमसे वो नाजायज रेट नहीं करते हैं जी। बिल्कुल, तो इसीलिए जो भाई हमारे पास आएंगे, आते भी हैं, हाँ, उनको हम जायज रेट पे खरीद के देते हैं पशु। बिल्कुल। ये बताइए, जो मतलब 30 लीटर तक की कच्ची गाय होती हैं, हाँ जी, हाँ जी, 1-1.5 महीना, हाँ जी, तो जो महाराष्ट्र साइड के जो दूर के कस्टमर हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो ज्यादातर 1-1.5 महीना कच्ची गाय खरीदना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो उनका जो एस्टीमेट प्राइस क्या होगा आपके अनुसार? भाई जी, यहाँ सिस्टम होता है पशु का, हाँ, बढ़िया सिस्टम है,
बढ़िया 30+ वाली जो है गाय, हम लोग कच्ची गाय लमसम 60,000 के लमसम समथिंग हम खरीद के देते हैं। ये तो बिल्कुल जायज रेट है जी, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि अभी वीडियो में रेट कम बता देते हैं, जैसे आपने भी देखी होगी यूट्यूब पे कई वीडियो। बिल्कुल, तो दूर के जो कस्टमर हैं उनको बुलाने के लिए पहले तो रेट कम बता देते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि भाई वो तो माल बिक गया, अभी ये है ये थोड़ा महंगा है, ये महंगे में चिपका देते हैं। तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? यही सबसे मेन मुद्दा है। हाँ, आपके यहाँ तो नहीं होता ना ऐसा? नहीं कुछ सर, यही हम बिल्कुल, मेरे दिल में भी यही बात थी। हाँ, कि हमने किसी भी गाय का हाँ रेट मेंशन क्यों नहीं किया, रेट क्यों नहीं बताया, इसीलिए गुमराह नहीं करना किसी भाई को। हाँ, बाहर से जो भी भाई आएगा, आते भी है, हम लोग उसको वीडियो में कभी रेट नहीं बताते। हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं है कि इस गाय का हमने रेट कुछ बता दिया जी, और जब वो खरीदने के लिए जो भाई आएगा उनको गुमराह नहीं करना है। रेट जो होगा मौके पे ही होता है भाई जी। वैसे आपने एस्टीमेट आइडिया बता दिया भाई, जो 30 लीटर के आसपास की होती है गाय HF, उनका रेट तकरीबन 60 या 62 तक हो जाएगा। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जायज रेट बिल्कुल है ना? जायज है, ये देखिए भाई और साहब। इतना भाई, और सर एक और बात बताइए आप। हाँ जी, हाँ जी सर। जो बाहर के दूर के कस्टमर आते हैं, हाँ नजदीक वालों को तो यहाँ रुकने की इतनी जरूरत है नहीं सर जी, सर। तो जो बाहर से बहुत दूर से महाराष्ट्र से या फिर आंध्रा से आते हैं, हाँ जी, उनके रुकने का और खाने पीने का और ठहरने का उनका, और कैसे आप उनको गाय खरीदवाते हैं, अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, तो वो सब बताइए क्या प्रोसेस होता है सर जी। जो हमारे पास भाई आते भी हैं, हाँ, उनको रहने की सारी सुविधा, खाने पीने की सारी सुविधा हमारे पास है भाई जी। सब खर्च आपका है? बिल्कुल सारा हमारे खर्चा एक है, पैसा कोई भी दिक्कत? उन्होंने नहीं देना? हाँ जी, हम लोगों के पास जो आते हैं, ठीक है, हाँ, हमारा सिस्टम ये एरिया ही कुछ ऐसा है। हाँ हाँ, को और मतलब किसी को रहने की व्यवस्था सारी करवाएंगे किसी? अच्छा, को जैसे रहने आप दिक्कत उनको नहीं आएगी। गाय खरीदवाने के हाँ लिए जी, हाँ जी, अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, बिल्कुल। उसका पेट्रोल आप अपने पास से लगाते हैं या उनसे लेते हैं? वो सर हम अपनी तरफ से ही डाल देते हैं। हाँ, और जैसे कि अगर कुछ दूर नेड़े होता भी है, हाँ तो कई कस्टमर भी बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत ही अच्छे कस्टमर है भाई साहब, कि सर उनको पता है कि बिल्कुल जायज रेट पे हमें पशु मिल रहे हैं। हाँ तो कस्टमर हमें अपना खर्चा नहीं करने देते कई। हाँ, होते हैं बहुत सारे वो खुद ऐसे। कहते हाँ, हैं कि भाई साहब आप अपनी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी अपनी लेते हो तो हम भाई पेट्रोल डीजल है हम डलवाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आते हैं हमारे पास, लेकिन ज्यादातर का आप ही खर्च करते हैं? ज्यादातर हम अपना खर्चा करते हैं बिल्कुल। हाँ, जो भी आइए तो मेन मेहमान नवाजी जो अपने राजस्थान की है, हरियाणा की, पंजाब की, ये तो मशहूर है ही। बिल्कुल जी, हाँ, पूरी सेवा पानी होगी, पूरा मान सम्मान होगा रेट में भी, और आने आएंगे जो रहने सहने की सारी व्यवस्था है। बताओ, और इससे अच्छा मेहमान नवाजी का बेहतरीन इससे तरीका और क्या हो सकता है? बिल्कुल सर जी, हम हैं मतलब पंजाबी लोग। हाँ हाँ, तो पंजाब वैसे भी आपको हाँ, पता है, पंजाब का तो वैसे भी मेहमान तो नवाजी के लिए हांजी, बहुत हांजी, प्रसिद्ध है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पंजाब के बठिंडा से मेरे पास फोन आया कि भाई साहब हमारे वीडियो बना दो। अच्छा अच्छा जी। मैंने कहा भाई इतने लगेंगे, 8,000 रुपए लगेंगे। अच्छा अच्छा जी। तो बोला ठीक है जी, डन, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। मैं बोला वो क्या? कि खाना आपको हमारे पास ही खाना पड़ेगा, रुकना भी हमारे पास ही पड़ेगा। अच्छा जी। मैंने कहा कि हाँ, ये तो मैं पंजाबियों के मेहमान नवाजी से वाकिफ हूँ, बिल्कुल जी, हाँ, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और आपके मतलब ये क्या बोलते हैं कि आपका बड़पन है बिल्कुल सर जी, जो बिल्कुल। पंजाबी ऐसी सेवा करते हैं। पंजाबी धर्म ऐसा है सर जी, पंजाबी धर्म में जो गुरुद्वारा साहिब में भी लंगर चलते हैं, हाँ, सेवा बिल्कुल बहुत करते फ्री हैं। चलता है। हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं भी है और हाँ, आएंगे भी, हम हाँ, सब उनकी ऐसे ही सेवा पानी करते हैं। मेहमान नवाजी खूब अच्छी बढ़िया। अच्छा अच्छी सर जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, एक बार फिर से अपना एड्रेस बता दो, अपने फार्म का नाम बता दो, और नंबर आपने अभी तक नहीं बताया वो भी बताओ। सर जी, नंबर भी बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। गायों की जानकारी है वो हमने दे दी है, हाँ, ठीक है जी। हाँ जी, गाय देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत अच्छी दिख रही है वो, बहुत तो अच्छी क्वालिटी की है, और
ये नहीं कहने की बातें नहीं है कि सर ये दूसरे ब्यात में, हाँ हाँ गाय खुद बताती है जी। ये देखिए सर पास में भी करिए आप अपना, ये देखिए इसका मुंह की शेप देखिए, बच्ची है तो बच्ची हाँ, ही लगेगी बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चिया है तो बच्चिया ही लगेगी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं सोनी भी कितनी है शक्ल सूरत से, लेंथ है, हाइट है, हाँ अडर क्वालिटी है, आप खड़े होके दिखाइए इनके, ये देखिए थन की बनावट है बिल्कुल बहुत अच्छी है, बिल्कुल शरीफ, बिल्कुल शांत, शांत स्वभाव की बिल्कुल। और हाइट जैसा कि आप तकरीबन 6 से ज्यादा ही होगी आपकी हाइट, थोड़ा सा आगे आ जाइए, हाँ ये देखिए, तो इस हिसाब से अगर गाय की 5 प्लस है बिल्कुल जी, ये देखिए ये भी है, ये इससे भी ज्यादा प्लस है, हाँ हाँ ये इससे भी ज्यादा प्लस है, हाँ ये देखिए आपके मतलब गर्दन से ऊपर ही जा रही है, हाइट है, लेंथ है बिल्कुल बहुत लंबी जी, कद की है, ये तो कद का मतलब 5-4 तक तो आराम से होगी बिल्कुल सर जी। तो इतनी हाइट वाली कहाँ मिलती हैं और वो भी इतने जायज रेट में, बिल्कुल सर जी। तो सर जी आप बता दीजिए अपना एड्रेस एक बार फिर से। सर जी राजस्थान जिला हाँ। श्री गंगानगर और तहसील पड़ती हमें कर्णपुरी, गांव भी बता दीजिए, गांव है जी ये गोविंदगढ़ माझी वाला जी, गोविंदगढ़ माझी वाला है जी, श्री गंगानगर हमारा जिला है जी, और हमारा फोन नंबर है जी 6674 43051। हाँ जी ठीक है, ये नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो भाई साहब का गायों का स्पेशली HF गायों का सेल परचेज का काम है और 20 से 25 गायें हमेशा इनके पास अवेलेबल रहती है फार्म पर। और एक नंबर सर हमने और ऐड करवाना है सर जी। हाँ जी एक और नंबर, हाँ दूसरा भाई साहब का नंबर और आप जान लीजिए। हाँ जी बताइए सर। 96-641-94-398। तो ये भाई साहब का दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है। तो अगर आप अच्छी टॉप क्वालिटी की गाय जायज से जायज रेट में खरीदना चाहते हैं तो भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई साहब के पास तो अभी 25 से 30 गाय ही हमेशा फार्म पर रहती है, लेकिन दूसरे फार्मों से भी आपको ये सस्ते से सस्ते जायज से जायज रेट में अच्छे से अच्छे पशु दिलवा सकते हैं, अच्छी गायें दिलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में बेहतरीन से बेहतरीन पशुधन के साथ। तब तक नमस्कार।